नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततन्नमः नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणत्राश्मताम। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय पे करते हैं आपसे चर्चा। तो रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कई लोग बड़ी गलतियां करते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं विषय पे आपसे करूंगा चर्चा। तो क्या काम आपको नहीं करना, तो रक्षाबंधन के दिन भाई के हाथ पर आप काले कलर की रक्षा को ना बांधे। काले कलर की रक्षा राखी को आपको नहीं बांधना चाहिए। दूसरा, कहीं से राखी टूट गई है, खंडित हो गई है, प्लास्टिक की राखी है, ऐसी राखी को भी नहीं बांधना चाहिए। किसी किसी राखियों में अशुभ चिन्ह बने होते हैं, ऐसे अशुभ चिन्ह वाली राखियों को भी नहीं बांधना चाहिए। भाई की कलाई पर राखी को बांधना गलत माना गया। जैसे अशुभ चिन्ह की राखी, काले कलर की राखी, टूटी हुई राखी, ये सब नहीं बांधना चाहिए, ये अशुभता के प्रतीक होते हैं। और दूसरी बात और आपको बताएं कि रक्षाबंधन पर राहु काल और भद्रा में राखी को बांधने से बचना चाहिए। राहु काल में भी नहीं बांधनी चाहिए और भद्रा हो उस समय भी रक्षा को नहीं बांधना चाहिए। इस अवधि को बेहद अशुभ माना जाता है, खराब माना जाता है, और इस काल में राखी बांधने से नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस दिन अपनी बहनों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, याद रखें, राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन उपहार के रूप में तौलिया, परफ्यूम और नुकीली चीजें भाई को बिल्कुल भी ना दें। तौलिया, परफ्यूम और नुकीली चीजें भाई को ना दें। भाई का तिलक करते वक्त टूटे हुए चावलों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल जो हो वो साबुत हो, क्योंकि अक्षत होता है, अक्षत का मतलब छत अर्थात टूटा हुआ नहीं चाहिए, साबुत होना चाहिए। और इस दिन भाई जो है अपनी बहन को काले कलर के कपड़े भूलकर भी उपहार के रूप में ना दे और ना ही काले कलर का स्वयं भी इस्तेमाल आज के दिन करे। और अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसको जो भी उपहार है, वस्त्र है, मिष्ठान्न है, स्वर्ण है, ये सारी वस्तुएं अपनी बहन को दे सकते हैं। तो राखी बांधने समय विशेष तौर से आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर कलश स्थापित करके, चौक पूर करके, उसके ऊपर पटरा रख करके और फिर भाई को बिठा करके टीका करना है, उनको मिठाई खिलाना है, रक्षा बांधना, उनकी आरती उतारनी है, इस तरह से कार्य किए जाते हैं। और यह कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बहुत बड़ा धन वाला व्यक्ति है उसके यहाँ पर भी रक्षाबंधन का पर्व होता है, कोई बहुत गरीब है उसके यहाँ पर भी रक्षाबंधन का पर्व होता है। ऐसा रक्षाबंधन का ये पर्व भाई और बहन के अटूट विश्वास को एकजुट करने वाला होता है, विश्वास को बढ़ाने वाला होता है, विश्वास को मजबूत करने वाला होता है। तो रक्षाबंधन प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करते हैं। और रक्षाबंधन श्री भगवान कृष्ण को पहले वह रक्षा समर्पित कर दें और इसके बाद में अपने भाई को बांधें, तो उससे भाई के जीवन में प्रसन्नता होती है। और ध्यान रखें कि रक्षाबंधन में जो राखी है उसमें तीन गांठ लगावें, क्योंकि एक गांठ भगवान ब्रह्मा की, एक विष्णु की, एक शिव की, त्रिदेव आपके भाई की रक्षा करें। इस तरह से आप रक्षाबंधन के पावन पर्व को करिएगा और इसके साथ में ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।